सकला बना फूल रही सरसों, सकला बना अम्बुआ फूटे तेसु फूले। Ladies and gentlemen, what's going on? My name is Monty Kataria. Welcome to This Dash. आज हमारे पास हमारे साथ actually virtually we have an amazingly talented singer. I have seen him back in the days in Saregama. Of course, everyone has, but now इनकी आवाज is technically going viral these days with Netflix's Heera Mandi and of course Sanjay Leela Bhansali music and Sakal Ban. If you haven't heard that song, we have the individual who's provided the vocals for that. राजा हसन जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और स्पेशली इस गाने के लिए। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल वेल सर, ऑल वेल सर। A lot of people आपको आजकल जान रहे हैं because of the song, but we know that your journey has a tremendous back as well. You were on reality shows और साथ-साथ में you've been trained in classical, Bollywood में अभी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं। Besides all that, music और आपकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने आज क्या किया है और कहाँ पे हैं आज और आप कर क्या रहे हैं इस इंटरव्यू के अलावा? आज मैं अभी शूट पे हूँ। इंटरव्यू के अलावा मेरा ये आज पूरा दिन जो है शूटिंग में गया है बिकॉज आई एम जजिंग वन शो कॉल्ड सुपर सिंगर प्लस, जो कि राजस्थान का पहला OTT एक चैनल है, उसके लिए हो रहा है। तो हम लोग पहला ही रियलिटी शो है जिसको मैं जज कर रहा हूँ एज ये समझ लीजिए कि पहली बार मुझे ये मौका मिला है। तो बस उसी की शूटिंग में हम लगे हुए हैं और ये हमारा सेकंड राउंड था, इसलिए कपड़े बदलने आया था। कपड़े माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप थोड़ा दिखाएंगे ऊपर से एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे? ये सकल बन हो गया ना कपड़े। वेरी सकल बन, वेरी नाइस। तो अभी आप फिलहाल you're not a contestant, आप जज पे हैं, आप कुर्सी टेबल के उस ओर हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। How does that feel as a judge? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है यार। You are मतलब इतना ज़्यादा वो प्रेशर रहता है आपको because you have to very keen about the सुर and ताल and each and everything। तो वहाँ पे मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि हमारे जजेस पे क्या प्रेशर रहा होगा since 15 years back जब हम लोग ये कर रहे थे सारेगामा या दूसरे रियलिटी शोज कर रहे थे। तो अब समझ में आता है कि हमारे जजेस पे क्या प्रेशर था। और अभी एक और चीज़ ये भी है कि उस कुर्सी पे बैठने का भी मज़ा अलग है जी, जजिंग समवन। तो नेचुरल बात है, आई एम एंजॉयिंग द बोथ पार्ट ऑफ, जो पॉजिटिव भी है और समवेयर इट इज चैलेंजिंग ऑल्सो। और ऑब्वियसली आई थिंक आप बीकानेर राजस्थान से हैं ना? That's where originally from. Okay, lovely city. और थोड़ा शो के बारे में बताइए। पहला सिंगिंग टैलेंट शो which is from Rajasthan going on OTT के बारे में प्लीज बताइए। ये ना फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल हुआ करता था पहले जी, फिर उन्होंने धीरे धीरे एक अपनी पूरी एक नई टीम बना करके एक फर्स्ट इंडिया OTT के नाम से फर्स्ट इंडिया एक चैनल डाला जो OTT डाला मतलब। फिर दे हैव स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर रियलिटी शो बिकॉज रियलिटी शो के एक ऐसा माध्यम है जो आज की तारीख में ना बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बिकॉज क्या होता है, आपको बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि हमारा चैनल देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इसमें सबसे बड़ा होता है कि आप जब आपको जब पता चलता है कि आपके बिरादरी का, आपकी जात से या आपके खानदान से, आपके परिवार से या आपके शहर से कोई बंदा पार्टिसिपेट करने फला चैनल पे गया, तो बट नेचुरल वो ऐसा होता है कि उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लिया जाता है। हाँ जी, ये रियलिटी शो के माध्यम से शुरू हुआ विच इज गुड। एंड द सेकेंड थिंग, राजस्थान को पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो। राजस्थान पहले कभी भी इन सारी चीज़ों में नहीं था। आपने देखा होगा कि राजस्थान की फिल्में जो हैं उनको कोई प्लेसिंग नहीं थी, ना उनकी फिल्मों को प्लेसिंग थी, ना उनके गानों को प्लेसिंग थी। बट नाउ वी कैन प्राउडली से कि बॉस हमारे पास भी एक अपना एक OTT है जहाँ पे अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो तो वी कैन ऑल्सो गो विद द फ्लो। ओके, नहीं ग्लैड आपने वो बात करी है। तो आपने साउथ ऑफ इंडिया में भी आपने काफ़ी गाने गाए, आई थिंक तमिल तेलुगु में आपने गाने गाए हैं। You have songs in Gujarati films, also in films जो बॉलीवुड गुजराती हैं, अगर लव यात्रा की बात करें हम, ढोलीदा हो गया सर, वो हमारे हिंदुस्तान के नोट पे जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी हुई है सारी लैंग्वेजेस में मैंने गाया, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी मैंने गाने गाए हैं। बट खुशी की बात यह है कि मुझे हर लैंग्वेज में गाने का मौका मिला। ये जो क्रेडिट जाता है वो उन सारे म्यूजिक कंपोजर्स को जाता है जिन्होंने मुझ पे ब्लाइंड फेथ किया, बिकॉज सी आई एम नॉट अ तेलुगु गाय बट आई हैव सैंग वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन अंडरस्टैंड। यस यस, तो वो वाली चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। एक राजस्थान की बात मुझे लास्ट करनी थी एक बार। राजस्थान से ऑब्वियसली आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से राजस्थान में अभी आप हैं, शो भी शूट हो रहा है। आपको क्या लगता है एज समवन जो इंडस्ट्री में हैं, जिन्होंने इतना टाइम बिताया है, ऑब्वियसली आपने टाइम भी कमाया है, आपने यू हैव लॉट ऑफ पीपल आल्सो नो यू, एक्सपीरियंस भी है आपके पास, व्हाट इज वन थिंग जो राजस्थान में कर सकते हैं टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज दैट इट कैन ग्रो? राजस्थान के बाहर भी राजस्थानी फोक म्यूजिक हो गया या फिर कमर्शियल म्यूजिक हो गया, वो हम कैसे बाहर लेके आ सकते हैं? और माध्यम तो बहुत है, जो आप कर रहे हैं शो वो भी एक है, बट और क्या किया जा सकता है और दुनिया कैसे जान सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं दे आर हैविंग लॉट ऑफ कलर्स, उनमें से राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर। तो एक राजस्थान में इतने सारे कलर होने की वजह से ना वी कैन नॉट जज कि यार यहाँ पे आके हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा काम तो आप इंटरनेशनल अगर देखें तो लंगाज आर गोइंग ओवर देयर, लंगाज आते हैं आपके यहाँ पे, लंदन इंग्लैंड, वो तो उनके वैसे ही शोज होते रहते हैं, आपने कालबेलिया डांस देखा होगा, उसके अलावा। बट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंगल देयर इज अ नो सच ए बिग प्लेटफॉर्म, लाइक हमारी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। तो उसके लिए हम लोग प्रेयर कर सकते हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री, हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री, आप देख लीजिए मलयालम बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं? तो वो चीजें एक दिल को खुशी होगी कि कभी जैसे कोई फिल्म बाहुबली अगर बन रही है तेलुगु में, तो एक राजस्थान की भी कोई बाहुबली बने या राजस्थान का भी। तो ये कोई इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम, इट्स काइंड ऑफ एक सेटिस्फैक्शन, नथिंग एल्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ यू आर वेर एवर यू आर, आप अगर तेलुगु गाते हैं उस बावजूद इसके आपको ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी है तो आई विल गो देयर, डेफिनेटली लोग जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं से तो शुरुआत हो, तो हमारे यहाँ पे जो शुरुआत है उसके लिए हम सभी चाहते हैं कि एक इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए और इंशाल्लाह हो जाएगी। Absolutely, no God willing. Okay, अब मेन मुद्दे पे बात आते हैं। सकल बन, क्या सुंदर गाना है सर, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दैट, और बहुत अच्छा लगा सुन के। द शो वाज ग्रेट, हीरा मंडी लुक ब्यूटीफुल, आपकी आवाज ने गाने को जो चार चांद आठ चांद लगा दिए, वायरल जो होना था जेन्युइनली अच्छा है कि वायरल हुआ, ताकि जो लोग जिन लोगों को सुनना नहीं भी था या शो नहीं भी देखना था, एटलीस्ट गाना उन्होंने सुना है ना। तो उसकी कहानी बताइए थोड़ा, हाउ डिड दैट प्रोसेस हैपन विद मिस्टर भंसाली, विद द एक्टर्स? सकल बन क्योंकि एक पुरानी बंदिश है, 700 साल पुराना ये गाना है, ये लिखा हुआ अमीर खुसरो साहब की एक बंदिश है, और हम लोगों ने भी बचपन में इन बंदिशों को सुना है अपने बुजुर्गों से, और उनसे डिफरेंट रागों के अंदर डिफरेंट तरीके से जो गाया है लोगों ने, हमने वो भी सुना है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैंने इसको बहुत अच्छे से सुना है। And the super plus point was my dear brother श्रेयस पुरानिक, जिसने मुझे ये कहा कि चल राजा भाई ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि संजय सर एक हीरा मंडी एक वेब सीरीज बना रहे हैं, एंड आई वॉजंट अवेयर कि बहुत यार हीरा मंडी बन रही है। मैं सिर्फ एक होता ना कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट, तो वो अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती। जी, बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई प्लानिंग नहीं होती है, विदाउट प्लानिंग ही होता है ये सारा। सिंस यू नो 15 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में गाने गा रहा हूँ, बहुत सारी फिल्मों के गाने गाए हैं, और 15 सालों से संजय सर भी मुझे जानते होंगे या मैं उनको एडमायर करता हूँ, मैंने हमेशा उनको। बट जब सिचुएशन बैठती है तो आपको पता नहीं होता, वही मेरे साथ हुआ। अचानक श्रेयस पुरानिक ने मुझे कहा कि यार राजा भाई एक ट्राई करते हैं, एक बंदिश है आप गा लीजिए। तो मैंने उनके घर पे जाके थोड़ा सा बंदिश गाया। अब मुझे नहीं पता कि वो संजय सर को कितनी उस वक्त पसंद आनी थी, कितनी नहीं आनी थी। बस मेरे पास तो एक फ़ोन आया कि भैया इसको मुकम्मल कर दो आप। तो थैंक्स टू SLB सर, थैंक्स टू श्रेयस पुरानिक, बिकॉज सूत्रधार को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज किसी के माध्यम से जब आप जाते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है। एंड मैं उसके लिए हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा मेरे भाई का, कि जिसने इतने सारे नाम होने के बावजूद उसने अगर मुझ पे ये फेथ रखा, मुझ पे अगर ये भरोसा रखा तो बहुत बड़ी बात है। एंड देन स्टूडियो, और स्टूडियो में इट ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया इस गाने ने, बिकॉज वो सुना हुआ भी था और एक तरीका था, बस ये था कि जिस तरीके से हमने सुना है एक प्रॉपर जैसे एक फोक स्टाइल होती है, right, तो right, वो right. उसको थोड़ा सा आजमाने की मैंने कोशिश की। तो आप इसकी शुरुआत से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ए है ये अलग ही है, इट्स नॉट रिटन, ए इज द एक्सप्रेशन ओनली। सकल बना ये जो ए है ये that is not written, right. वो ए जो है वो उस गाने की ब्यूटी है, और वो अपने आप को मतलब वो गाने को ना मतलब एक निखार देने के लिए होता है, एंड विच इज डन बाय आवर बुजुर्ग। ये इसमें मेरी कोई महारत नहीं है ना मेरी कलाकारी है, आई जस्ट फॉलोड देम, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया और कोशिश की कि वहां पे वो नकल कर सकूं, और वो नकल इतनी कामयाब हो गई कि आज वायरल हो गई। थैंक यू सो मच। मेरे को जेन्युइनली कि आपका वो दरवाज़ा खटखटाया गया, वो फ़ोन वहाँ आपके पास आया। वी एज एन ऑडियंस, एज पीपल हु लिसन टू द सॉन्ग, जेन्युइनली उस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि आपने वो गाना गाया। थैंक यू सो मच। और अच्छा भाई, आपने बीच में चालू तो किया था, शुरुआत तो की थी आपने, बता दीजिए प्लीज़ इतना। स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर ऑडियंस, मैंने आज तक ये गाना, अभी तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, आई हैव नेवर सेड दिस बिफोर के ये गाना मैं पर्टिकुलर ऑडियंस को डेडिकेट करता हूँ, बट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर ऑडियंस आई वुड लव टू डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल लाइंस। थैंक यू सो मच। हियर वी गो। ए सकल बना सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना अम्बुआ फूटे टेसू फूले, गोरी करत श्रृंगार माननिया गढ़ वाली आई गढ़ सो, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना फूल रही सरसों, सकल बना। राजा सर, राजा भाई, थैंक यू सो वेरी वेरी मच। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। आई नो आप भी लेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक लास्ट चीज़, यूएसए में भी आपने बहुत शोज करे हैं, जो हमारी ऑडियंस यूएस में बैठी है, मोस्टली दिस इज फ्रॉम द यूएस। आप वापस कब आ रहे हैं यूएस में टूर करने? सर हम आर्टिस्ट तो पंछी होता है, जिस डाल पे उसको दाना मिल जाए वो उस डाल पे चला जाता है, तो हमारे साथ तो ऐसा ही है सर। एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसी प्लानिंग हुई नहीं है, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई वुड लव टू कम एंड वुड लव टू मीट द पीपल, क्योंकि हमें ना जितना प्यार है ना घर से मिलता है ना, उतना प्यार बाहर से भी मिलता है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। शायद यही वजह है कि एक कलाकार जिंदा रहता है कि उसको ना पूरी दुनिया से दुआएं जो है वो वाइब बन के आती है जी। तो मेरे लिए तो ये समझ लो कि एक दुआओं का जखीरा वहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मैं इकट्ठा करने आऊँगा। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आई वुड लव टू कम और परफॉर्म करूँगा, और उनके आशीर्वाद से उनका आशीर्वाद लूँगा, और आप सबसे मिलने का तो मौका मिला, आई वुड लव टू हग यू मैन। Absolutely. राजा, बहुत ही जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जजिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप exactly कैसे कंटेस्टेंट निकलने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दुआ करना मेरे भाई, दुआ करना सर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच।